प्री पीवाईक्यू कोर्स के लेक्चर नंबर 6 के अंदर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके कुछ ऐसे ही पीवाईक्यू सॉल्व और कुछ अलग तरीके से, ठीक है। वही तरीका कर करके आप लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन पीवाईक्यू करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है, ठीक है। इसी के साथ अगर आप ये कंप्लीट फुल पीवाईक्यू कोर्स करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए मेल पे संपर्क करके आप 2019 से लेके 2024 तक के सभी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कर सकते हैं सॉल्व, उनके एक्सप्लेनेशन के साथ भी। एंड आज की इस वीडियो में चलने वाले हैं कहां पर, हम चलने वाले हैं कम्युनिटी टैब के ऊपर। तो अगर आप वहां पर आंसर्स वगैरह नहीं करते हैं तो आपने आंसर्स करना चाहिए, उससे क्या होगा, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी काफी ज्यादा। और ये जो सारे के सारे पीवाईक्यूज आपके लिए अपडेट होते हैं, ये थोड़े से आपके अपडेटेड वाले होते हैं, थोड़ा सा उनको ट्विस्ट करके पूछा जाता है आपसे। और उसी के साथ साथ ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके पीवाईक्यू बेस। तो आप जो पीवाईक्यू लगाएंगे, फ्री पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है, तो पीवाईक्यू वहां से लगाइए, आंसर देखिए और इस वीडियो से भी आप यहां पर फायदा उठाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला सवाल। आप हैं इस चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। सवाल पूछ रहा है आपसे, व्हेन वाज द फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान डिपार्टमेंट कब प्रारंभ किया गया या फिर हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 89% लोग क्या आंसर कर रहे हैं, यहाँ पर 1916, और जो कि क्या है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर क्या है आपका, 1916 यहाँ पे सही आंसर है। फर्स्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया गया था, इस बार सवाल भी आया था आपको यहाँ पर NN सेन गुप्ता के द्वारा, ठीक है। NN सेन गुप्ता जो कि एक बंगाली थे, लग रहा है सरनेम से यहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, पहली बार आपका जो है कलकत्ता के अंदर आपका ये पहली बार डिपार्टमेंट जो है एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और उसी के साथ साथ उसके पहले ही सर ब्रिजेंद्रनाथ सील, ये आपको नाम ध्यान रखना है, ब्रिजेंद्रनाथ सील नाम के एक व्यक्ति थे, सज्जन थे। उन्होंने क्या किया था, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो रहा था उसी समय इन्होंने जो था साइकोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट कर दिया था, मतलब डेवलप कर लिया था, लेकिन फुल प्रूफ यहाँ पर आया नहीं था। फुल प्रूफ जो आपका डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हुआ वो कब हुआ, वो स्टैब्लिश होता है आपके 1916 में। तो यहाँ पे जितने भी 89% लोगों ने यहाँ पर आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है यहाँ पर, ठीक है। ओके, इसके बाद देखते हैं अगला सवाल क्या आ रहा है। सवाल अगला आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, द डिस्ट्रीब्यूशन विच इज स्क्यूड टू लेफ्ट हैज वन हाई पॉइंट एंड हैज मेनी हाई स्कोर्स आर कॉल्ड एज, ठीक है, कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, वह वितरण जो बाईं ओर तिरछा है जिसमें एक उच्च बिंदु है तथा अनेक उच्च अंक हैं, उसे क्या कहते हैं, हैज मेनी हाई स्कोर्स आर कॉल्ड, उसको हम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं, नेगेटिवली स्क्यूड बोलते हैं, प्लेटिक्रोटिक बोलते हैं या पॉजिटिवली स्क्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पर जितने भी 82% लोगों ने आंसर किया है इनका आंसर 100% सही है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन पूरी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहानी स्टार्ट होती है आपकी यहाँ से, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा बोलते हैं प्यारा सा NPC। ये क्या है आपका, ये है आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है। इस प्रकार से कुछ दिखता है आपका, और इसी से आपको एक और चीज याद आनी चाहिए, वो क्या है, वो है आपका इस प्रकार से, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इनवर्टेड यू, जो कि क्या होता है आपका, जो कि होता है आपका यहाँ पर यर्केस डॉटसन लॉ वाला, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर उसकी बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे NPC की, ठीक है। तो ये आपका NPC है और इसी का दो वर्जन आपके अलग से निकल के आते हैं, वो कौन सा है, पहला आपका देखिए जो इस प्रकार से आपको दिखे उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यू, और जो इस प्रकार से आपको दिखेगा उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे यहाँ पर नेगेटिवली स्क्यू, है ना, नकारात्मक वितरण, और इसको आप क्या बोलेंगे यहाँ पर सकारात्मक वितरण। और ये आपका जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि 50% जनता आपको इस तरफ दिखाई देगी और 50% आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब पढ़िए सवाल को, द डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा वितरण जो बाई और बाई मतलब लेफ्ट तरफ है और तिरछा है, स्क्यूड टू द लेफ्ट, हैज वन हाई पॉइंट, उसमें एक हाई पॉइंट है, एंड हैज मेनी हाई स्कोर्स, हाई स्कोर्स उसके अंदर काफी ज्यादा है यहाँ पर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नकारात्मक रूप से तिरछा वितरण, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर 82% लोगों का। अगर वहीं पर होता हैज मेनी लो स्कोर्स तो क्या होता आपका आंसर, आपका आंसर होता पॉजिटिवली स्क्यूड, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, लो स्कोर यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया आपका यूनिट सेकंड का पीवाईक्यू, जब कब आया था आपके, आया था 2024 जून के अंदर, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। उसके बाद देखते हैं आगे एक और सवाल यहाँ पे है क्या, अच्छा यहाँ पर ये है कि पीवाईक्यूज क्या केवल पीवाईक्यू लगा के निकाला जा सकता है, देखिएगा इस वीडियो को जाकर आप, ठीक है, आप कितनी बार परीक्षा दे चुके हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए अगला सवाल है जून 2024 का, हाउ मेनी चक्रास आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, मानव शरीर में कितने चक्र हैं, आपको जून कैंसर पेपर के अंदर पूछा गया था, 83% लोगों ने यहाँ पे सही आंसर दिया है, टोटल कितने आपके यहाँ पर 7 चक्रा होते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, ये आपको पहले कराया भी है, बॉडी चक्रास जो है आपके, ये सहस्त्र है, ये आज्ञ है, ये विशुद्ध है, अनाहत है, मणिपुर है, स्वाधिष्ठान है, और ये आपको बताया भी था कैसे याद रखना है आपको,
MSME का ए लगा देंगे और VAS लगा देंगे, वास, MSME वास, जिसे भी आपको याद रखना है। ये देखिए एक दो तीन चार पांच छह और यहाँ पर आपके जो सात हैं, टोटल कितने चक्र होते हैं आपके, सात होते हैं। और आपको मालूम है सुर भी कितने होते हैं आपके, सुर सात होते हैं, सात सुर सात चक्र। कुछ अगर आप लिंक कर पाए तो अच्छी बात है, लेकिन आपके बॉडी में चक्रास कितने होते हैं आपके, यहाँ पर सात चक्र होते हैं। जब आपको नाड़ी खोलने जाते हैं तो यहाँ से खुलते 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 सरपेंट जो है यहाँ पहुंचता है और आपकी जो है यहाँ पर नाड़ियां सारी की सारी यहाँ पर खुल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 83% लोगों ने आंसर किया है ये एग्जैक्टली यहाँ पर सही आंसर किया है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी तक आपने देखा सभी लोग जो है यहाँ पे सही आंसर कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए आगे जो है आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज इन एनराइट मॉडल। ठीक है, एनराइट के मॉडल में कौन सा फेज यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर देखिए काफी ज्यादा लोगों ने जो है गड़बड़ी की है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज इन एनराइट मॉडल, एनराइट के मॉडल में इनमें से कौन सा फेज नहीं है। अनकवरिंग, वर्क, डिसीजन कवरिंग, यहाँ पर जो है, और यहाँ पर देखिए लोगों ने गड़बड़ी की है, 13% लोगों ने जो है यहाँ पर केवल सही आंसर दिया है। ये जो है आपका यहाँ पर सवाल में क्या पूछा है, इज नॉट अ फेज इन एनराइट मॉडल, कौन सा एनराइट के मॉडल का चरण नहीं है। तो अनकवरिंग भी चरण है, वर्क भी चरण है, डिसीजन भी चरण है, लेकिन कौन सा नहीं है, कवरिंग यहाँ पे कोई भी चीज नहीं होती है। तो ये सवाल देखिए आपको समझ में आ रहा होगा डिफिकल्ट है, लोगों से नहीं बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, वर्क को क्यों मार्क कर रहे हैं पता नहीं यहाँ पर। ठीक है, 13% लोगों ने जो है इसका सही आंसर दिया है केवल ओनली एंड ओनली। ठीक है, और यहाँ पे क्यों डाला गया है, क्योंकि देखिए जून में आपसे पूछा है और यही सवाल आपका सेम 2021 के अंदर भी पूछा गया था। और देखिए आपको यकीन तो होगा नहीं, यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी 2021 ऑल सेट, आप भी इस प्रकार से ऑल सेट हो जाए पीआईक्यू लगा लगा कर। इन विच फेज ऑफ एनराइट मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल फॉरगिवनेस इंडिविजुअल गेन्स ऑफ कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग, अनकवरिंग है, डिसीजन है, वर्क है, डीपनिंग है। जब आपको ये मालूम है तो जी आप यहाँ पर कवरिंग में काहे मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों मार्क कर रहे हैं आप, ये गलत है, कवरिंग इसका सही आंसर है। ठीक है, मतलब कवरिंग, सॉरी उल्टा बोल दिया, कवरिंग जो है इसका सही आंसर है, आपने ये मार्क क्यों नहीं किया, आप ये क्यों मार्क कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, अनकवरिंग फेज होता है, डिसीजन फेज होता है, वर्क फेज होता है और डीपनिंग फेज होता है किसके अंदर, एनराइट मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल फॉरगिवनेस। ठीक है, तो एनराइट नाम के एक बंधु ने क्या दिया है, साइकोलॉजिकल फॉरगिवनेस यानी कि माफ कर दो वाली जो बात है ना, उसके लिए यहाँ पर प्रतिपादित क्षमा के मनोवैज्ञानिक प्रतिमान के चरण बताए हैं। ये जो है उसके चार चरण होते हैं, इसके अलावा कुछ भी चरण नहीं होता है। एक बार और देखिए यहाँ पे फॉरगिवनेस कब आएगी, अनकवरिंग करेंगे खुद का एंगर, वन डिसाइडिंग टू फॉरगिव, अब सोच लिया माफ कर दूंगा कर दूंगी, वर्क फेज है काम करेंगे, और डीपनिंग फेज के बाद क्या करेंगे उसको यहाँ पर मार्क कर देंगे। ये है आपका एनराइट का फॉरगिवनेस प्रोसेस। ठीक है, तो सही आंसर क्या है यहाँ पे आपका, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कवरिंग यहाँ पर। अब देखते हैं अगला सवाल कुछ पूछा है क्या, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स कैरी द सेंसरी मैसेजेस फ्रॉम स्किन, आई एंड ईयर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड वाइस वर्सा। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऐसी कौन सी सेंसरी मैसेज को लेके जाती है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से CNS तक लेके जा रही है और CNS से बाहर भी फेंक रही है। एफरेंट और एफरेंट, ये जो है आपके यहाँ पे सही आंसर होंगे, ए एंड बी ओनली, यानी कि 87% लोगों ने इसको सही आंसर मार्क किया है। ये आपका 2021 का PYQ है, यकीन नहीं होता है तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स कैरी द सेंसरी मैसेजेस फ्रॉम स्किन, आई, ईयर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये आपको कम्युनिटी टैब पे आगे लगाना क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। अगर आपने इसको केवल देखा होता, आपने ए बी में से कुछ मार्क कर दिया होता, लेकिन आंसर सही क्या हो रहा है, यहाँ पर सही आंसर है आपका ये दोनों ही। ठीक है, एक सवाल में क्या पूछा है आपसे, यहाँ से यहाँ तक लेके तो आती है लेकिन यहाँ से वापस भी लेके जाती है, इसलिए सही आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी ओनली। अब यहाँ पर कौन लोग है जो मार्क कर रहे हैं ए बी एंड सी ओनली, क्या सोच के मार्क कर रहे हैं ए बी एंड सी ओनली, क्रेनियल नर्व का क्या मतलब है, क्रेनियल नर्व का संबंध क्या है यहाँ पर, इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ओके, अगला देखिए, व्हाट इज थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट। अब यहां पर देखिए यहां पे सही आंसर कितने लोगों ने किया है, सही आंसर किया है आपके 70% लोगों ने। ठीक है, 70% लोगों ने जो है इसको सही आंसर किया है यहां पर। व्हाट इज थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट, बिहेवियर दैट ऑपरेट्स फ्रॉम द एनवायरमेंट प्रोड्यूसिंग कॉन्सिक्वेंसेस, नहीं, बिहेवियर्स फॉलोड बाय फेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस, ये जो है आपका सही आंसर है, अनुकूल परिणामों के बाद होने वाले व्यवहार की संभावना अधिक हो जाती है, प्रतिकूल परिणामों के बाद होने वाली व्यवहार की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है थॉर्नडाइक्स के लॉ ऑफ इफेक्ट की। ठीक है, थॉर्नडाइक ने तीन नियम दिए हैं आपको, पहला दिया आपको अभी आपने देखा लॉ ऑफ इफेक्ट का, उसका आंसर क्या है वो भी आपको मालूम पड़ गया है। इसी के साथ एक और दिया है लॉ ऑफ प्रैक्टिस का, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप जो है करत करत अभ्यास से, और एक और तीसरा दिया है हमको ध्यान नहीं आ रहा है, जरा आपको मालूम है क्या कमेंट करके बताइए यहाँ पर, तीसरा कौन सा है, ई से स्टार्ट होता है शायद, बताइए यहाँ पर नीचे कमेंट करके कौन सा होने वाला है तीसरा नियम। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर एक्जैक्टली आपका सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं और कुछ सवाल है क्या, ओके, एक और सवाल है आपके जून 2023 का PYQ, अ बेसिक सेट ऑफ बिलीव दैट गाइड एक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, एक्सियोलॉजी नहीं,
पैराडाइम जो है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। ऑन्टोलॉजी भी नहीं होगी यहाँ पे। विश्वासों का एक आधारभूत समूह जो क्रिया को निर्देशित करता है वो क्या है, सत्ता मीमांसा की बात नहीं है, आलंकारिक भी नहीं है, प्रतिरूप की यह बात करता है, ठीक है। पैराडाइम होता है यहाँ पर आपका, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। बेसिक सेट ऑफ बिलीफ, यानी कि कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा होने वाला है, ओके। उसके बाद देखें एक और सवाल यहाँ पर, अब यहाँ तो देखिए पराकाष्ठा ही कर दी है यहाँ पर सही गलत आंसर देने की, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन आर कनेक्टेड बाय द सेरेब्रल एक्वेडक्ट, सेरेब्रल एक्वेडक्ट से यहाँ पर क्यों होता है, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया है इसको, देखिए साफ साफ आपको ना, जब आपको नहीं आता है तो देखिए यहाँ पर साफ साफ यहाँ पे दिख जाता है कि आपको नहीं आता है। ये देखिए 74% लोगों ने क्या किया है, सेकेंड मार्क किया है, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर है, ये गलत आंसर है और आपको एग्जाम में डुबाएगा ये चीज। आपने क्या किया है, आपने कुछ लोगों ने मतलब ऐसा किया होगा कि सेकेंड आंसर जो था सही था, पीवाईक्यू में हमने देखा था, उसको किया था और उसको यहाँ पर मार्क कर दिया है। जरूरी नहीं 74% लोग ऐसे होंगे, लेकिन 20% 30% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने क्या किया है, कुछ बिना सोचे समझे कि वहां पर हमने सेकेंड आंसर देखा था, उसको यहाँ पर मार्क कर दिया है, जो कि क्या है आपका गलत आंसर है। सही आंसर क्या है, लेफ्ट एंड राइट फ्रंटल लोब, फ्रंटल एंड पैराइटल लोब, ये दोनों ही नहीं है। तो ये तो 3% लोग पता नहीं कौन है इसको मार्क कर रहे हैं, 3% 5% तो बिल्कुल गलत है। सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर है आपका यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। सही आंसर क्या है आपका, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। इसलिए आपको जो है यहाँ पर इस कम्युनिटी टैब के ऊपर आपको ये लगाना जरूरी हो जाता है, ठीक है, ताकि आप यहाँ गलती करते चल जाएगा, लेकिन आप एग्जाम के अंदर गलती ना करें। यहाँ पर देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिखती है, यहाँ पर ये जो आपके ये जो है ये आपके कौन से हैं, ये आपके लेटरल वाले हैं, ये आपके लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, ये दो है यहाँ पर। इससे आपको मतलब नहीं, फोरमेना से बायोलॉजी आप पढ़ नहीं रहे हैं। थर्ड वेंट्रिकल आपको जो दिख रहा है ये लाल वाला, ये वाला वेंट्रिकल, और ये जो है आपका नीला वाला, ये फोर्थ सॉरी हरा वाला, ये कौन सा है आपका, ये है आपका यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल, और ये है जो आपका येलो वाला जो बीच में है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल एक्वेडक्ट। तो सवाल अगर आपसे पूछेगा सेरेब्रल एक्वेडक्ट किसके मध्य होता है, तो आप क्या बोलेंगे, थर्ड वेंट्रिकल के बीच में और आपके फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में। इमेज भी आपने देख ली, लेटरल वाले आपके यहाँ पर होते हैं दोनों आजू बाजू। लेटरल मतलब क्या होता है, आसपास में, बाजू सामने सामने चलेगा ये, ठीक है। लेटरल से आप ध्यान रखिए लीनियर मोशन जो आपको बताते हैं ना, लीनियर मोशन नहीं, लीनियर पैरालेक्स जो होता है, सॉरी लीनियर पैरालेक्स नहीं, लीनियर पर्सपेक्टिव जो होता है आपका, उसी प्रकार से दोनों पटरियां साथ चलती है, उसी प्रकार से दोनों वेंट्रिकल यहाँ पर साथ में चल रहे हैं। थर्ड और फोर्थ के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए आपका यहाँ पर आता है सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है। तो देख रहे हैं अंदर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पालियों की तो लोब्स की यहाँ पर दूर दूर तक बात नहीं करनी है आपने। सही आंसर क्या है आपका, वन, जो 18% लोगों ने आंसर किया है, ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, ठीक है, ओके। इसलिए पीवाईक्यू लगाना जरूरी है, और हमारे साथ लगाते हैं पीवाईक्यू तो बात ही अलग है, ओके। अगला देखिए, अगला कुछ सवाल है क्या, यस, मोनोक्यूलर क्यूज फॉर डेप्थ परसेप्शन इंक्लूड, सारे के सारे आते हैं इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। तो ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा, ए भी आएगा, ठीक है। लीनियर पर्सपेक्टिव जो बता रहे थे आपको, लाइन साम-साम दिखती है, वो जो बात कर रहे थे यहाँ पर, सही आंसर क्या है, 4 ABCDE। लेकिन देखिए ये भी लोगों से नहीं बन रहा है, यहाँ पर देखिए 50% लोगों ने केवल इसका सही आंसर किया है, मतलब टोटल वोट्स कितने हैं, 51 वोट्स हैं, 50% लोगों ने, मतलब 25 लोग को केवल पता है यहाँ पर कि क्या होता है। तो ऐसे में तो फिर आपका कैसे कट ऑफ के ऊपर आप जाएंगे अगर आप इस सवाल को गलत करेंगे, तो मतलब ये तो मतलब वही है ना, आत्महत्या करने वाली बात है यहाँ पर, 50% लोग स्वयं से आत्महत्या कर रहे हैं यहाँ पर इस सवाल को लेकर। मालूम ही नहीं है कि एक नेत्री संकेत कितने होते, जबकि एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है, और भाग रहे हैं बेस्ट बुक के पीछे, ओके। और इसी के साथ आपके जो है पीवाईक्यू समाप्त होते हैं क्या, अच्छा नहीं, यहाँ पर एक और पीवाईक्यू है, देखिए क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले किसका जन्म हुआ है। अभी 19% लोग कौन से है पता है, जिन्होंने लेक्चर देखा हुआ है हमारा वाला प्रीवियसली, ठीक है। 19 में से 15% लोग तो ऐसे ही होंगे जिन्होंने लेक्चर देखा है, उनको मालूम है कि सबसे पहले किसका जन्म हुआ था, गुस्ताव फ्रेशनर का, सॉरी फ्रेंच बोलने वाले थे यहाँ पर, जो है जी फेस्टर का सबसे पहले जन्म हुआ था यहाँ पर। 19% लोगों ने सही आंसर किया है अपने मन से, देखिए 68% लोग अपने मन से दे पड़े हैं यहाँ पर फ्रॉइड को, 68% लोग दे चुके हैं यहाँ पर किसको, फ्रॉइड को दे चुके हैं यहाँ पर, 1856 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जस्ट बिकॉज क्यों, यहाँ पर देखिए साफ साफ दिख रहा है इग्नोरेंस है ना, जानकारी का अभाव दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इग्नोरेंस है, मालूम ही नहीं है कि कौन है। इनको नाम शायद पहली बार सुना होगा आपने या पता नहीं, अगर आपने भी इसको मार्क किया है सिगमंड फ्रॉइड को, तो आप बताइएगा कि आपने क्यों मार्क किया है नीचे कमेंट करके यहाँ पर, ठीक है। और जाके देखिए फ्री लेक्चर्स में सारा कुछ बताया हुआ है, पूरी हिस्ट्री बताई हुई है कि फेस्टर का कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, और इनके पहले भी कोई जन्म ले चुके थे उनको भी आगे आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले किसका जन्म हुआ था, सवाल आपके नेट में ये नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ पूछ भी सकता है क्योंकि आपने देखा था, सिगमंड फ्रॉइड की डेट ऑफ बर्थ पूछी थी, तो बिल्कुल ही यहाँ पर एब्जर्डनेस है, पेपर के अंदर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप प्रिपेयर रहेंगे क्यों, क्योंकि आपका देखिए पीवाईक्यू क्यों है यहाँ पर, क्योंकि आपको पूछा गया था कि फेस्टनर पहले आया था या फिर फ्रॉइड का आया था या फिर ब्रॉयर के बारे में आपको दिया था, या एक दो नाम सुलीवान का शायद नाम था वहां पर, ठीक है। तो सारे के सारे पीवाईक्यूज आप देखिए फ्री सीरीज के लेक्चर्स के, तो वहां से आपको लिंक होता जाएगा यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए अपने मन से यहाँ पर देखिए
क्या मार्क कर रहे हैं, देखिए ऐसे में कैसे पास होंगे आप। यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ चैप्टर इन भगवद गीता, क्या पूछे हैं इनमें से कौन सा चैप्टर भगवद गीता में नहीं है। अक्षर ब्रह्म योग, संन्यास योग, कर्मयोग और विभूति योग, यहाँ पे जो सही आंसर है केवल क्या है 15% लोगों ने दिया है। 59 का 15% निकाल के बताइएगा कितना होता है, जरा इतने लोगों ने केवल इसको सही आंसर मार्क किया है। बाकी है अक्षर ब्रह्म योग, कर्मयोग, विभूति योग, सब किसके अंदर होता है आपके, सब होता है आपके गीता के पाठ के अंदर, लेकिन आपका 15% वाला यानी कि संन्यास योग यहाँ पर नहीं होता है। इसके आगे और कुछ लिखा होता तो मान सकते थे कि हाँ ये आंसर हो सकता है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, लेकिन इसके आगे कुछ लिखा नहीं है तो सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, संन्यास योग जो है यहाँ पर आपका सही आंसर निकल के आता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस लेक्चर्स में आपको फ्री वाले बताया हुआ है प्लेलिस्ट में, उसको जाकर आप चेक करें, उसको जाकर आप देखें, सारा कुछ जो आपको पूछ रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फ्री लेक्चर्स में आप देखेंगे और आपको करने के लिए मिलेगा बड़े आराम से। ठीक है, ओके, उसी के साथ देखिए अगर आपको फ्री प्रीवियस ईयर का खजाना आपको नहीं मिला है अभी तक तो क्या करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से आप 2019 से लेके 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज आप डाउनलोड कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, सारे के सारे पीवाईक्यूज आप ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं उनकी धमाधम। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर Who has proposed the investment theory of creativity, आपके 2020 का पीवाईक्यू है, उसके अंदर आपसे पूछा गया था इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी के बारे में। और यहाँ पर देखिए होम्स को क्यों मार्क कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए गोलमेज को क्यों मार्क कर रहे हैं, ये तो हमको पता ही नहीं यहाँ पर, है ना, गोलमेज तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता आई थिंक, साइकोलॉजिस्ट अगर होता होगा तो बताइएगा, यहाँ पर गोलमेज तो कोई है ही नहीं व्यक्ति, ये व्यक्ति तो बस कोई फुटबॉलर है उसका नाम डाल दिया था यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको मालूम पड़े कि सही सच्चाई क्या है। गोलमेज तो कोई है ही नहीं, गोलमेज कोई नहीं है, ठीक है, गोलमेज कोई नहीं है, गोलमेज नाम का, ठीक है, ये एक स्पेनिश सरनेम में, बस इतनी सी बात है यहाँ पर, गोलमेज कोई नहीं है। पीटरसन हो सकता है, आपने सुना हो यहाँ पर 10% लोग मार्क कर दिया है, ये बात कर रहे हैं क्रिस्टोफर पीटरसन के बारे में, जो क्या बोलते हैं आपको VIA एक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा, पीटरसन भी नहीं होगा, गोलमेज भी कोई नहीं है, ये भी एक सरनेम है केवल, ये भी एक सरनेम है। सही आंसर क्या आपका यहाँ पर, लुबार्ट एंड स्टर्नबर्ग, यहाँ पे किसी ने कमेंट किया था उनका आंसर बिल्कुल सही था यहाँ पर, तो केवल देख रहे हैं आप 12% लोगों ने केवल सही आंसर किया है, 60 में से केवल 12% लोगों को इसका आंसर मालूम था, लुबार्ट को यहाँ पर मार्क किया है। ठीक है, और सोचिए 77% लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, गोलमेज को क्यों मार्क कर रहे हैं। ओके, इसलिए पीवाईक्यू लगाना जरूरी हो जाता है। फर्स्ट प्रोजेक्टिव टेस्ट वॉज डेवलप्ड इन, अच्छा यहाँ इन पूछ लिया है, लेकिन किसने बनाया था, आपके गेल्टन है, सही उत्तर है यहाँ पर। ठीक है, ये जो आपका गेल्टन है यहाँ पर आपका सही आंसर होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और क्या है यहाँ पर ऊपर, पीवाईक्यू है क्या, अच्छा ये आगे देखिए यहाँ पर, ये आपका लास्ट पीवाईक्यू है, इसके बाद आगे जो भी आप देखेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर देखते हैं, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल बाय ऑस्गुड वाज इंट्रोड्यूस्ड, अब यहाँ पर देखिए आपके 2021 का अगेन पीवाईक्यू है, पूछा हुआ है आपसे इवेल्युएशन पोटेंसी और एक्टिविटी के बारे में, EPA के बारे में पूछते हैं, और उसमें देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 1951 62 अपने मन से मार्क कर रहे हैं, क्या जरूरत है 62 मार्क करने की, इंडो चाइना वॉर थोड़ा पूछा है आपसे यहाँ पर, है ना, इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, इंडो सिनो वॉर 1962 में, 59 क्यों मार्क कर रहे हैं यहाँ पर, सही आंसर क्या है आपका, देखिए 40 में से केवल 3% लोगों को सही आंसर मालूम है, वो है 1957, ये जो है आपका इसका सही आंसर है, ऑस्गुड 70 डिफरेंशियल स्केल ऑस्गुड का कब है आपका 1957 में। ठीक है, तो सही क्या है, ऑस्गुड द्वारा कब बताया गया था, मापनी कब लाई गई थी आपके 1957 के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने देखे क्या, पीवाईक्यूज देखे आपके काफी सारे इंपॉर्टेंट, जिसको आप ही लोगों ने मार्क किया था, आपको मालूम पड़े होंगे कि आपके आंसर्स कौन से करेक्ट थे, आपको मालूम होगा कि आपके आंसर्स कौन से इनकरेक्ट थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से सारे के सारे देखिए हमने 2019 से लेके 2023 तक 24 तक के पीवाईक्यूज किए हैं हमने इसके अंदर। ठीक है, आपको आंसर्स मालूम पड़े होंगे क्या उनके सही आंसर्स हैं, तो इस प्रकार से आप नोट करते जाएंगे, अपनी आंसर की आपकी बनाती जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और इसी प्रकार से आप जो है यहाँ पर फ्री पीवाईक्यू कोर्स का लाभ उठा के अपने दिसंबर में अपने जो नंबर जो है, जून में अपने जो नंबर है, उनको यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं एक्सपोनेंशियली। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप यहाँ पर अगर मार्क करते हैं तो आपको यहाँ पर मालूम पड़ेगा कि आपके कौन से आंसर सही है, कौन से आपके आंसर गलत है, एंड आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। इसी प्रकार से अगर आप और सीखना चाहते हैं तो आप जो है फुल प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे ईमेल दिया गया है, वहां पर आपको 2019 से लेकर 2024 तक के सभी आपको पीवाईक्यूज कराए जाते हैं, इंपॉर्टेंट वाले पहले कराए जाते हैं, कम इंपॉर्टेंट वाले बाद में कराए जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीसेंट वाले पेपर आपको पूरे पूरे सॉल्व मिलते हैं यहाँ पर, इसको करेंगे आपको नो डाउट यहाँ पर फायदा होगा, लेकिन वो तो आपको करके मालूम पड़ेगा। और पीवाईक्यू देखा आपने, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ठीक है, उससे देखिए आपको यहाँ पर कितनी सारी चीजें बताई हैं जो आपके काम आएंगी आगे आने वाले भविष्य के अंदर। ठीक है, ओके, तो फिर इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इसको कहते हैं हम सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, हिट है, फॉल्स अलार्म है, करेक्ट रिजेक्शन है,
या क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है।